मुझे जाते जाते गुफ्तगू समेटना भी है, लेकिन एक पैगाम भी देना है। कुछ नौजवान ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त तो अगर जिना के अड्डे पे जा रहा है या किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो मेरा दोस्ती का ये हक है कि मैं उसका हेल्प करूं, अगर मैं ना करूंगा तो फिर मैं दोस्त तो कैसा। लेकिन याद रखें, कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं किए जाते, और दोस्त तो वो नहीं जो गुना पे साथ दे, दोस्त तो वो है जो नेकी पर साथ दे। तावनु अलल बिर्र व तक्वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी पे मदद करो, गुनाह पे मदद मत करो। और अगर तुमने गुनाह पे मदद की तो शीशे के घर में बैठ के जो पत्थर फेंकते हैं पहले उनके घर टूटते हैं, दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। जाते जाते आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल दोस्तों का सर्कल बनता है ना, मेरा फुला से चल रहा है तो मैं उसका सपोर्ट, वो मेरा सपोर्ट करे मैं उसका सपोर्ट करूं। अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या सोच बन गई? अगर कोई तुम्हें जिना का दलाल कहे तुम उसे गवारा नहीं करते, कर तो वही रहे हो। दोस्तों वो होता है जब तुम अल्लाह को भूले तो दोस्त तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। चुनांचे इसी तरह दो दोस्तों, बड़ी मोहब्बत आपस में, बड़ी मोहब्बत दोस्ती में, बहुत प्यार मोहब्बत। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार वो जो अपने मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है ना, उससे उसकी बीवी से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरा सपोर्ट करेगा? दोस्त ने कहा, यार अगर दोस्ती में मैं सपोर्ट ना करूं तो कौन करेगा, क्या मेरी मदद की जरूरत है बता। तो दूसरे दोस्त ने कहा, जब तू नमाज पढ़ने के लिए जाना ना उसके पीछे, तो वो इमाम जल्दी से घर आ जाता है, तो जल्दी से घर आता है तो मैं जितनी बातें उसकी बीवी से करना चाहता हूं उतना कर नहीं पाता, इसलिए तू एक काम कर, जब तू नमाज के लिए जाना तो उसको देर तक के रोके रखना, कुछ भी मसले मसाइल में उसको उलझा के रखना, तो जितनी देर तक तू वहां रुकेगा इतनी देर तक कि मैं अपना काम कर लिया करूंगा। उसने कहा, बहुत अच्छा। अब चारों वक्त की नमाज में, पांचों वक्त की नमाज में वो आता, इमाम को पकड़ लेता, हजरत ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या, दोनों मसले मसाइल में उलझे रहते, उधर वो अपना काम करता। एक दिन इस नौजवान को एहसास हुआ कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूं, एक इमाम की आबरू से मैं खेल रहा हूं, वो भी मेरी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम, उसकी आबरू से मैं खेल रहा हूं कि मैं उसको इतनी देर तक मसले मसाइल के नाम पे रोके रखता हूं और उसकी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, खेल तमाशा होता है उसकी बीवी की इज्जत के साथ। उसको जब एहसास हुआ तो उसने सोचा, मुझे सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। वो इमाम के पास गया, कहने लगा, इमाम साहब मुझे माफ कर दे। क्या भाई, क्यों माफ करें? का माफ कीजिएगा, मुझे मसले मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, दरअसल जो मेरा साथी है ना उसको आपकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, तो वो आपकी बीवी के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहता था और उसने मुझे मुकर्रर किया था कि मैं तुमको मसले मसाइल के नाम पे उलझाता रहूं और वो उतनी देर तक के आपकी बीवी के साथ मस्ती मौज करता रहे, तो मैंने दोस्त की मोहब्बत में इतना गलत और बुरा काम किया कि मैं मसले से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं आपको सिर्फ उलझाने के लिए मसले मसाइल पूछता था। इमाम साहब हंसे। अच्छा, ये बात सुनकर इमाम को गुस्सा आना चाहिए था कि मेरी बीवी के साथ तुम लोगों ने इतना गलत किया। इतना सब सुनने के बाद इमाम साहब हंसे और हंसकर कहते, तेरे दोस्तों को कौन सी मेरी बीवी से मोहब्बत हुई है, अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है और कोई नहीं है तीसरा, तो किससे उसको मोहब्बत हो गई और वो किसके साथ बातें करता है, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई। तब उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, अरे जब इमाम की शादी नहीं हुई तो ये यहां मुझे भेज करके किसके साथ मौज करता है। जब तहकीक की तो पता चला कि ये किसी का घर जलाने गया था, इसका खुद का घर जल गया। लोगों, गुनाह पर किसी की मदद न करो, और अगर कर चुके हो या गुनाह में डूबे हो सच्ची तौबा कर लो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। एक मजजूब बुजुर्ग बस्ती में ऐलान करते फिरते थे, लोगों
اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب وہ بزرگ قبرستان میں دیکھے گئے تو قبرستان میں رو رو کے کہتے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر پوچھا، بابا آپ بستی میں کہتے ہیں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہیں اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا نعرہ بدل گیا، بستی میں الگ قبرستان میں الگ۔ اس بزرگ نے فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، انسان معافی نہیں مانگتا، لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ان کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ان سے صلح کر لے۔ جب تک یہ زندہ تھے اللہ کا اعلان تھا بندے معافی مانگ لے، اعلان ایک مرتبہ نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات آخری پہر میں میرا اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، میرے بندے اگر تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی مانگ لے، آ توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، آ معافی مانگ لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں، آ مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بندے اگر تیرے جرائم آسمان کے برابر بھی ہوں گے، زمین کے برابر بھی ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کا منادی ہر رات اعلان کرتا ہے، لیکن ہم توبہ کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ایک کامل مومن کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، زندگیاں بدلی جائے۔